Hello everyone, this is Pulkit Garg, All India Rank 27 this year in CSE 2016. I'll be joining Indian Administrative Service and I'll be getting UP as my cadre. So, welcome to this session, and our objective of this session would be to analyze the prelims paper. We're analyzing for two major purposes. First of all, whenever prelims paper happens, एक हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम जज करना चाहते हैं प्रीलिम्स पेपर को कि यार यूपीएससी ने अच्छा बनाया है बुरा बनाया है क्या क्या करें इसका, है ना. तो हम जज करना चाहते हैं तो देखते हैं कि हमें कैसा लगा, या मेजोरिटी ऑफ द पीपल व्हाट डू दे थिंक और व्हाट डू आई थिंक पर्सनली. एक्चुअली आई कैन ओनली स्टेट व्हाट डू आई थिंक, राइट. एंड द सेकेंड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एनालाइज कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आउट हियर पीपल, वो कैसे इसमें और बेटर परफॉर्म कर सके, राइट. सो हमारे ये दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स वी वुड बी फोकसिंग ऑन द सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंटली. फर्स्ट वन वुड ओनली टेक 2 मिनट्स, राइट. ओके, सो व्हाइल जजिंग द पेपर आई वुड लाइक टू से दैट पर्सनली आई फील जो कल का पेपर था, ऑफ कोर्स आई थिंक आप सबके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा होगा. जो हमारे पहले एक्सपेक्टेड पैटर्न चला आ रहा था उस पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट था, एंड ऑफ कोर्स मुझे भी थोड़ा डिफरेंट लगा पेपर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स पैटर्न्स, राइट. लेकिन आई वुड पर्सनली से दैट दिस इज अ वेरी गुड पेपर एंड दिस इज अ ट्रेंड इन द राइट डायरेक्शन. आई पर्सनली फील दैट. नाउ व्हाई डू आई फील दैट? सबसे पहले उसके लिए हम यूपीएससी की नोटिफिकेशन पे जाते हैं. लेट अस सी यूपीएससी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है वो क्या कहता है कि उसको किस टाइप के स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है. लेट मी रीड आउट टू यू. सो द नोटिफिकेशन सेज दैट द नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन द जीएस पेपर्स विल बी सच दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी. द क्वेश्चंस विल बी सच एज टू टेस्ट अ कैंडिडेट्स general awareness of a variety of subjects which will have, this is a very important line, which will have relevance for a career in civil services. So what UPSC says, we'll test a candidate's general awareness about a variety of subjects jinki relevance hai career in civil services ke liye, right. So kal ka question paper jo humne dekha usme humne dekha ki everything was about newspapers, right? Reading about the government schemes. हमने देखा कम से कम 10-15 सवाल जो हैं वो तो government schemes पर ही हैं. और एक और trend आता है कि जो books हैं, books की value बहुत कम हो गई है. So मुझे काफ़ी opinions सुनने को मिले अपने friends से जिनसे मैंने बात की. I personally feel that सो दे टोल्ड मी कि यार गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछ रहे हैं तो याद करना पड़ रहा है, उसका क्या मतलब है इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, क्या मोदी सरकार ने पेपर बनाया है बैठ कर, क्या कैबिनेट से बन कर आया है, राइट. सो वील हेयर अ डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इट कि कहाँ से पेपर आए. बट आई फील एज अ सिविल सर्वेंट अ प्राइमरी रोल इज टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट स्कीम्स. इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स एट ऑल, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट देम? देन पीपल कैन से क्या गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में तो जब याद करने की जरूरत है ना, जब हम फील्ड पे जाएंगे. एंड देन दिस थॉट कम्स इन माई माइंड कि सबसे पहले हमें स्कीम्स के बारे में जानने की इसलिए जरूरत है क्योंकि उससे हमें एसेंस पता चलता है कि क्यों बनाया गया है, क्यों वो स्कीम बनी है. फॉर एग्जाम्पल इस टाइम जो हमारे पास पेपर था उसमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी गई हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. मुझे याद है जब मैं 2014 में मेरी 2014 सीएससी वाले में मेरी रैंक थी 490 आई, उस टाइम पे मैं कोरा पे आंसर्स लिखता हूँ, आई राइट आंसर्स ऑन कोरा सिविल सर्विसेज पर. तो उस टाइम पे किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डू वी रिमेंबर सो मेनी थिंग्स फॉर सिविल सर्विसेज. तो उस टाइम पे जो मैंने आंसर लिखा था, आई सेड कि हमें हर चीज़ से इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए उसको याद रखने के लिए, हमें हर चीज़ की ज़रूरत समझनी चाहिए उसको याद रखने के लिए. तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था 1.5 साल पहले, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, कि अगर हम हमें ये समझेंगे कि जो हमारा किसान है और फार्मर्स
उनको कितनी दिक्कत होती है जब भी फ्लड सिचुएशन है, ड्रॉट सिचुएशन है। तो हम जब ये समझेंगे तब हम याद रखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अगर ये स्कीम पूछी गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपको ये जानना पड़ेगा कि इसकी जरूरत क्यों थी, ये स्कीम क्यों लाई गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों आई। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे फार्मर्स डिस्ट्रेस सिचुएशन में है। अभी तक हमारे पास एक एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस की स्कीम नहीं थी ढंग की। उनसे पहले जो स्कीम्स थी उनमें क्या दिक्कतें हैं आपको ये जानना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि इस स्कीम में क्या चेंज किया गया है उस स्कीम से पहले। तो आप समझ रहे हैं, हम यहाँ पे मैं सिर्फ ये याद नहीं कर रहा फैक्चुअली कि स्कीम में क्या था, मैं इसकी जरूरत को समझ रहा हूँ, मैं इसकी जरूरत को याद कर रहा हूँ जो आपको वहां पर बहुत ही जरूरी है। ये आपको एक कंपैशनेट पर्सन बनाने के लिए, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए, क्योंकि आप जानेंगे कि क्या दिक्कतें थी, हमने क्या चेंज किया है। दैट इज ट्रू विद एवरी अदर स्कीम। जैसे उदय स्कीम के बारे में पूछा गया, जो हमारे डिस्कॉम्स को टू टेक आउट फ्रॉम रेड और डिस्कॉम्स, फाइनेंशियल पोजिशन बहुत पुअर है उनकी। तो जब आप उदय स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, जब आपने देखा उदय का क्वेश्चन आया है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी, तो द टेक अवे इज दैट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देश में पावर नहीं आती है, आधे लोगों के पास दर आउट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन थिंग। क्यों? ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोल की कमी है, विद डिस्कॉम्स के पास पैसा नहीं है टू गिव इट टू पावर जनरेटिंग कंपनीज, राइट? तो इस वजह से हमारे लिए उदय स्कीम बहुत जरूरी है। अगर हम इसको ले आते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है कि हम एवरी हाउस होल्ड को हम घर घर में बिजली पहुंचाएं, वो किससे आएगा? वो उदय स्कीम इंप्लीमेंट करने से आएगा, राइट? सो अगर गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी गई हैं, कम से कम 10 से 15 पूछी गई हैं मिनिमम, आउट ऑफ अ पेपर ऑफ 100, दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम पिछले एटलीस्ट 4-5 ईयर्स में। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार का इस पर फोकस क्या है, हमें फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए इन पर, और इन स्कीम्स की क्यों जरूरत है, क्या इनमें हम किया जा रहा है जो इनको हमें आगे भी जाके यही इंप्लीमेंट करने के लिए हम सर्विसेज में आ रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड गवर्नमेंट स्कीम्स। द सेकेंड ट्रेंड इज द वैल्यू ऑफ बुक्स। आई रिमेम्बर जब कुछ टाइम पहले भी जब मैं प्रिलिम्स के लिए आई यूज टू टेक सेशंस की कैसे मैं गाइड कर सकूँ स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, तो मैं हमेशा बोलता था कि प्रिलिम्स के लिए एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे आपके हिस्ट्री से, हिस्ट्री बुक से। स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ लो, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ लो। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार हमारे पास टोटल में अराउंड 40% लेके चलता था स्टैटिक बुक्स, जो स्टैटिक पार्ट है जो सिर्फ बुक्स में लेकर, तो मॉडर्न हिस्ट्री में 6 सवाल, ज्योग्राफी में 5 सवाल, पॉलिटी में 5 सवाल, टोटल मिला के ऐसे जो फिक्स्ड बुक से पार्ट आया है, जब बुक लेकर बैठो और बहुत सारी बुक्स को याद कर लो, वो आया है सिर्फ 15-20 सवाल का, ठीक है, 15-20 सवाल का, ज़्यादा नहीं आया है। और जहाँ हम एक्सपेक्ट करते थे कि इसे डबल आएगा, क्यों? क्योंकि हम पूरी लक्ष्मीकांत याद करते हैं, फिर पूरी स्पेक्ट्रम याद करते हैं, फिर 11th 12th, फिर NCERT ज्योग्राफी, फिर GC लियोंग याद करते हैं, फिर शंकर याद करते हैं, नहीं क्या क्या याद करते हैं ना, तो वी रिमेम्बर लॉट ऑफ थिंग्स। सो अनदर ट्रेंड इज, जो जहाँ से 40-45 क्वेश्चंस आने चाहिए थे वहाँ से सिर्फ 15-20 सवाल आए हैं, 15-20 क्वेश्चंस ओनली। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग बुक्स, बस बुक्स से याद करना कि बुक्स हमने खोली और उनको रट लिया, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। एंड आई फील दैट दिस इज अ वेरी गुड ट्रेंड। क्यों? मैं पहले ही कहे मुझे या सिविल सर्विसेज को, UPSC की जो मैंने आपको नोटिफिकेशन पढ़वाई, हमें एक वेल अवेयर जनता चाहिए अबाउट द करंट अफेयर्स, अबाउट द करंट इश्यूज, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर मैं वही सिर्फ बस हिस्ट्री पढ़ के, वही इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, बस ये सब पढ़ के अगर मैं सिविल सर्विसेज में जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं। इसकी एक ज़रूरत है, इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है, बट हमें इसको ओवर इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे हमें यह भी रियलाइज करना है कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हुई है, 15-20 सवाल आए हैं, लेकिन अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो फिर नहीं हो पाएगा प्री, राइट? सो इट हैज बीन गिवन इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि यार अब नेक्स्ट ईयर तो मैं बुक्स पढ़ के ही नहीं जाऊंगा, नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर भी यही बहुत ढंग से बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये 15-20 सवाल अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप फिर से रेस से बाहर हो जाएंगे, राइट? यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर प्री। तो हमें, बट आई थिंक दिस इज अ राइट साइजिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक्स। अब हम ठीक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, 15-20 सवाल आते हैं, अच्छी बात है, इनको नहीं करोगे तो भी दिक्कत है,
और सिर्फ इनको करने से भी आपका पेपर नहीं क्लियर हो सकता है, ठीक है, पहले भी नहीं हो सकता, लेकिन अब इंपॉर्टेंस कम है और करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा है. सो आई रियली लाइक दिस ट्रेंड. द थर्ड थिंग इज कुछ यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं, कुछ एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, एंड हमेशा की तरह जो होता है देर वुड बी एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस जो आपको वहां पे छोड़ के ही आने हैं, ठीक है. कुछ एब्जर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिफिकल्ट सवाल होते हैं. जैसे एक सवाल है कि बनाना ट्री है, एक लंबा सा 13 मीटर 14 मीटर का बनाना ट्री मिला है अभी कहीं पे, और वो कहाँ पे मिला है ना, तो ये जानने की कोई कोई रेलेवेंस भी नहीं है. ऐसे एब्जर्ड सा क्वेश्चन है और बहुत बार मिस भी हो जाएगा, हम क्यों पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में, हम कोई जरूरी भी नहीं लगता. तो इससे आप पूरे पेपर को जज करने की जरूरत नहीं है. जस्ट थिंक कि एक सवाल है, इसको छोड़ना है, मुझे वहां पे 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है. राइट, टू क्लियर द एग्जाम आई डो नॉट नीड टू नो ऑल द 100 क्वेश्चन, आई डो नॉट नीड टू सॉल्व ऑल द 100 क्वेश्चन. तो कुछ 3-4 सवाल इस साल भी हैं, जैसे हमारा एक और सवाल है केशव चंद्र सेन पर कि वो कौन से किन किन कमिटी से एसोसिएटेड थे. तो वो जो कमिटीज हैं, मैंने खुद आज तक उनका नाम नहीं सुना हुआ था पहले 1-2 कमिटीज़ का, आई हैव रेड सो मच हिस्ट्री पहले, तो लेकिन नहीं है ऐसा. तो आपको कुछ ऐसे सवाल हैं, 3-4 सवाल हमेशा ऐसे होंगे जो आपको छोड़ने हैं. आप ये मत सोचिए कि यार ये सवाल आ गया, ये कैसे सवाल पूछ रहा है UPSC. 3-4 सवाल हर साल पूछे जाते हैं ऐसे, फॉरगेट अबाउट इट. एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द न्यूज़पेपर्स, राइट. सो इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, एंड उसकी इम्पॉर्टेंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें सब कुछ बस बहुत फोकस करना है हमें न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स पर, राइट, सो दैट वी नो कि आज के